if the radii of the circular ends of a conical bucket is 45 cm, height b 28 cm etc. तो देखिए height दिया है और radii भी दिए हुए, find the capacity of the bucket. तो हमारे पास radii दिए हुए हैं, तो एक को r1 suppose कर लो और एक को r2 suppose कर लो, और height दिया ही है, height भी दिया ही है, मैं short में लिख देता हूँ 45 cm. तो हमें कैपेसिटी निकालनी है, हमें कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की कैपेसिटी निकालनी है, उसका वॉल्यूम निकाल देना होगा, है ना जी. चलिए तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम 1/3 pi आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, आर वन आर टू और इंटू में एच, यही ना हो जाएगा. चलिए देखते हैं, 1/3 पाई की जगह पे हम लोग एक काम करते हैं 22/7 रख देते हैं, अंदर R1 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 7 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, फिर 7 इंटू में 28 और इंटू में हाइट है 45 सेंटीमीटर की. चलिए देखते हैं 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू में देखिए ये 49, ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और प्लस में 7 में मल्टीप्लाई कर दो आप 28 से तो आपका आ जाएगा 196 इंटू में 45 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू में 22/7 और इन सब को ऐड कर देते हैं, तो 196 है प्लस में 784 है और प्लस में आपका 49 है, तो आ जाएगा 1029 और इंटू में 45 सेंटीमीटर क्यूब. 3 से इसको काट सकते हैं 15 टच में और 7 से कट जाएगा 147 टाइम्स में, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 147 ये रहा और इंटू में ये 15 और फिर इंटू में ये आपका 22, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी हो जाएगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, द हाइट ऑफ